ओम शांति मेरा नाम किरण है और पहले मैं टीचर थी लेकिन अभी मैं थोड़ा स्टूडेंट हूँ और राजयोग मेडिटेशन से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा पहले बड़ी इच्छा होती थी कि कुछ ना कुछ किया जाए जैसे सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है अनिवार्य है अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो और सारे दिन दिनचर्या में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है फ़ास्ट फूड नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमें पता है और हम करना चाहते हैं हम कुछ पेज तक करते हैं उसको और फिर छूट जाती हैं फिर हमें कोई ना कोई चीज़ें हमें बाहर से अट्रैक्ट कर लेती हैं ये डिस्ट्रैक्ट जिसे हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं बट राजयोग मेडिटेशन से क्या जीवन में परिवर्तन आया कि ये डिस्ट्रैक्शंस हट जाती हैं आपका जब आप जब सुप्रीम के साथ जुड़ के ख़ुद में शक्तियाँ भरते हैं तो आपकी डिस्ट्रैक्शन हट जाती हैं और आप जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं जैसे कि जब मैंने राजयोग मेडिटेशन शुरू किया तो 2013 से स्टार्ट किया और इस विश्वविद्यालय में आते ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि मैं सुबह जल्दी उठने लग गई और मेरे जीवन में खुशी आने लग गई उमंग आने लग गया चेहरे का रंग बदल गया रंग इन सेंस कि आपकी मुस्कुराहट भरी ल, ल, लाइफ होने लग गई और जब घर वाले आपको ऐसे देखते हैं जो पेरेंट्स सुबह ऐसे बैठे होते हैं कि सुबह तो उठते ही नहीं ये काम नहीं करते लेकिन जब वो सुबह उठते हैं और उनके उठने से पहले बच्चे उठे होते हैं और पूरा घर का काम भी कर देते हैं तो उनको भी देख के उमंग आता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है क्योंकि आज के टाइम पे हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है और उसकी वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तो उस एडेंट्री लाइफ में भी इस चीज़ को ऐड करके लाइफ बहुत चेंज हो जाती है आपके चेहरे की मुस्कुराहट रहती है और जब मुस्कुराहते हुए चेहरे से आप सबको मिलते हैं तो आप दूसरे इसके साथ भी स्माइल शेयर करते हैं और दूसरे को भी एक उम्मीद की किरण देते हैं तो ऐसे परिवर्तन हाँ और जब आप दूसरे को मिलते हैं तो आप पॉजिटिव मैसेज दे पाते हैं जो आपने पॉजिटिव सुबह सुबह भोजन लेते हैं जैसे कि इस जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसमें जो सुबह का जो रूटीन है वो सुबह सुबह हम क्या सुनते हैं हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं महावाक्य जैसे हम शरीर को रोज खाना खिलाते हैं ऐसे हम अपने मन को रोज भोजन देते हैं और उस भोजन से क्या होता है जब हम हम अगर हम हमारे जीवन में ये मेडिटेशन या राजयोग मेडिटेशन ना हो तो हमारे जीवन क्या होता है हम सिर्फ शरीर के लिए करते हैं वी लिव ओनली ऑन बॉडीली लेवल कि हमने शरीर के लिए खाना है शरीर को साफ करना है शरीर के लिए पढ़ाई करनी है लेकिन मन खाली रहता है फिर हम ढूंढते हैं अपनी सुकून कहाँ ढूंढते हैं घूम के आना या मूवीज़ देखना या पार्टीज़ करना लेकिन उसको जितनी देर वो चलती है पार्टी उस दिन हम खुश रहते हैं लेकिन जैसे ही वो पार्टी ख़त्म होती है तो हमारा फिर से क्या होता है वही लाइफ हो जाता है इसलिए अगर हमें हमेशा फ़्रेश रहना तो हमें आर्ली आर्ली एक एक घंटे के बाद जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं वन वन मिनट का टू टू मिनट्स का और जब हम सुबह सुबह जब भगवान के महावाक्य सुनते हैं तो हमारे मन में एक बहुत बहुत गहरा परिवर्तन आता है कि हमें कोई बुरा नज़र ही नहीं आता हम जब सब चीज़ें अच्छा बुरा सबको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और इसी एक्सेप्टेंस के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होती है जिसको आज सब अचीव करना चाहते हैं तो मेरा यही मैसेज है सभी यूथ के लिए कि यूथ लाइफ इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड ऑफ आर लाइफ तो हमें इस टाइम पीरियड पे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना चाहिए डिसिप्लिन बनाने का मतलब ये है कि एक तो हमारा रूटीन सुबह जल्दी सूरज से पहले शुरू होना चाहिए और समय पे उसको वाइंड अप करना चाहिए और उसके बीच में हमारे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि गुड स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुड फूड बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हमारे लाइफ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अच्छा आचरण होना बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल कोई स्कूल एजुकेशन स्कूल या इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो नहीं दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें जब हमारी लाइफ में होती हैं तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होती है है ना सक्सेसफुल होती है तो जब हम इन अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है राजयोगा मेडिटेशन इज द बेस अगर आप इस मेडिटेशन को करते हैं इस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये डिसिप्लिन लाइफ तो आपका एक नेचुरल लाइफ हो जाएगा और जब आपकी लाइफ में ऐसा डिसिप्लिन होगा तो वी आर एक्सेप्टेबल एट एवरी प्लेस चाहे वो फैमिली हो फ्रेंड्स हो ऑफिस हो या और कोई बड़ा एम अचीव करना हो तो हम कहीं भी ये चीज़ें कर सकते हैं अगर हमारा लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन हो और इस चीज़ को डिसिप्लिन करने में राज योगा मेडिटेशन बहुत 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 हेल्पफुल होता है तो आई होप कि आप सब इस चीज़ को फॉलो करें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें थैंक यू ओम शांति